मिनासान कोनिचिवा गाइस, आज हम JP2 जो कोर्स है उसका जो चैप्टर नंबर 16 है उसकी वीडियो नंबर सेकंड लेकर के आए हैं। तो आज की वीडियो में हम फिफ्थ पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। लास्ट चार पैटर्न हमने लास्ट वीडियो में देख लिए थे, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम रोहित, आप देख रहे ढूंढूंगो देवा हाजमे माशू। सो गाइस, जो फिफ्थ पैटर्न है हमारा, यहाँ पर मोशी वर्ब की ता फॉर्म रा, यानी कि वर्ब फॉर्म ये तारा, तारा बोल सकते हैं हम, या फिर वर्ब की नाई फॉर्म का तारा, ठीक है। तो ये पैटर्न का कैसे यूज़ करते हैं कि मोशी, मोशी मतलब होता है गाइस इफ़, ठीक है ना, ये वाला इफ़। तो मोशी मतलब इफ़, और वर्ब की ता फॉर्म बना करके आपको रा कर देना है, यानी कि आपको कंडीशनल फॉर्म बना देनी है कि वर्ब की ता फॉर्म रा, कि वर्ब तारा हो जाएगा। तो मोशी मतलब इफ़, यानी कि सेंटेंसेस का जो मतलब निकलेगा वो देखते हैं, वो क्या निकलेगा कि फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है कि मोशी अश्ता आमेगा फुत्तारा हाई किंगो नी इकी मासेन, कि मोशी यदि अश्ता आमेगा फुत्तारा, कल बारिश पड़ेगी, हाई किंगो नी इकी मासेन, मैं हाइकिंग पर नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मोशी मतलब इफ़। अब यहाँ पर मोशी ब्रैकेट में दिया हुआ है, आप देखेंगे तो मोशी यहाँ पर हर सेंटेंसेस में ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो आपकी मर्जी है गाइस, आप ब्रैक मतलब मोशी लगाओ या ना लगाओ, बात सेम निकलने वाली है, क्योंकि आपने यहाँ पर तारा फॉर्म का यूज़ कर दिया है। तो तारा फॉर्म भी आपकी एक तरह से कंडीशनल हो गई कि यदि आप कुछ काम करोगे या नहीं करोगे, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे सेंटेंस बनाते हैं। लाइक यहाँ पर सेकेंड जो सेंटेंस है वो देखते हैं कि मोशी आस्ता आमेगा फुरा नका तारा हाइकिंगोनी इकीमास, कि यदि कल बारिश नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि यदि कल बारिश नहीं पड़ेगी, फुराना का तारा, आपको फुराना ही जैसे वर्ब की नाई फॉर्म बनाते हैं, नाई में से ई कट करके कत्तारा ऐड कर देना है, तो सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है गाइस, कि मोशी वाताशिनो ईएनी कुरुमोगा तारा बेंद्री देशो, कि यदि मेरे घर कार होती, कि यदि मेरे घर कार होती तो बेंद्री देशो, बेंद्री मीन्स कन्वीनियंट, तो अच्छा होता, मतलब ठीक है, कन्वीनियंट होता। नेक्स्ट है मोशी वाताशिनो यानी कुरुमगा नका तारा फुबेन देशो, कि यदि मेरे घर कार नहीं होगी तो फुबेन देशो, मतलब इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट होगा, समझे। तो ऐसे आपको यूज़ करना है तारा फॉर्म को या फिर मोशी तारा पैटर्न को, ठीक है। तो नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ये भी मोशी का ही है, लाइक हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि मोशी, अब ई एडजेक्टिव को कैसे करना है, तो ई एडजेक्टिव में सिंपल कत्तारा कर देना है या फिर कुना कत्तारा कर देना है, यानी कि मोशी अश्ता तेंकी गा वारु कत्तारा, कि यदि कल जो वेदर है वो बेकार होगा, बैड होगा, तो काइम उन्होंने एक इकनाई देखो दर्शाई कि जो शॉपिंग पर प्लीज़ मत जाना, प्लीज़ शॉपिंग करने मत जाना। नेक्स्ट है मोशी अश्ता तेंकी गा वारु कुना कत्तारा, कि यदि कल जो वेदर है वो बेकार नहीं होगा, तो काइम उन्होंने इतने को दर्शाई प्लीज़ शॉपिंग करने चले जाना, प्लीज़ शॉपिंग करने जाना। तो नेक्स्ट है ना एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ना एडजेक्टिव के साथ सिर्फ ना हटा करके दत्ता, और नेगेटिव के लिए देना कत्ता, देना का तारा, ठीक है ना। तो तारा तारा है, तो आपको तारा तारा का तो यूज़ करना ही पड़ेगा, मोशी आप लगाओ ना लगाओ वो आप पे डिपेंड है। तो मोशी सोनो मंदाई का फुकुजात्सु दत्तारा कोतायरारे मासेन, फुकुजात्सु मतलब होता है गाइस कॉम्प्लिकेटेड, तो कौन सोनो मंदाई मतलब है जो प्रॉब्लम है वो फुकुजात्सु दत्तारा, कि यदि कॉम्प्लिकेटेड होगी कोतायरारे मासेन, मैं उसको आंसर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो पोटेंशियल फॉर्म लगाई। नेक्स्ट गाइस मोशी सोनो मंदाई का फुकुजात्सु देना का तारा, कि यदि जो वह प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी तो कोतायरारे मास मैं आंसर कर पाऊंगा या कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाउन दत्तारा, नाउन देना दत्तारा, तो सिंपल है जैसे ना एडजेक्टिव का कराता है ऐसे ही नाउन का। सो नेक्स्ट है मोशी काने मोची दत्तारा, कि यदि मैं अमीर होता मतलब अमीर होगा तो तकाई मोनोगा काय मास, कि मैं महंगे चीज़ें एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद पाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोशी काने मोची देना कत्तारा, कि यदि मैं अमीर नहीं होगा तो तकाई मोनोगा काय मासेन, मैं जो महंगे चीज़ें हैं वो नहीं खरीद पाऊँगा, ओके। सो आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं दत्तारा को लेकर के, तारा फॉर्म को लेकर के। मोशी आप सब में देखिए एक्सेप्शन है कि आप मोशी लगाओ या मत लगाओ वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमने तारा फॉर्म यूज़ कर दी तो मीनिंग वही निकलने वाला है। नेक्स्ट गाइस हमारा सिक्स्थ पैटर्न, लाइक यहाँ पर
क्वेश्चन वर्ड्स, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इत्सुदो को नानी, तो निशिमास का कि निशिमास गाइज हम यहाँ पर है, तो निशिमास हम यूज़ करते हैं टू डिसाइड, कोई काम हम डिसाइड करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब देखिए कोई डिसीजन लेते हैं तो हम उसके लिए हम यहाँ पर निशिमास का यूज़ करते हैं। तो देखिए कैसे यूज़ किया यहाँ पे कि रियोको नी इकु हिवा इत्सु निशिमास का, रियोको नी इकु हिवा इत्सु निशिमास का कि रियोको नी इकु ही मतलब ट्रिप पे जाने वाला जो दिन है वो इत्सु निशिमास का कब डिसाइड किया है आपने, मतलब कब आप ट्रिप पे जाओगे। तो रियोको नी इकु हिवा राइगेत्सु नो तोका निशिमास, राइगेत्सु नो तोका निशिमास की नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख मैंने डिसाइड की है कब किस पे, तो रियोको नी इकु ही कि मतलब ट्रिप पे जाने के लिए मैंने नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख डिसाइड की है। ओके, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। निशिमास का बहुत यूज़ होता है गाइस ये पैटर्न, तो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है तुम्हारो तो कोरोबा दो को निशिमास का कि आप कहाँ पे रुकोगे, कहाँ पे रुकने का डिसाइड किया है आपने, तो तुम्हारो तो कोरोबा मिनशुकु निशिमास कि मैं मिनशुकु में रुकूंगा। ओके, मैंने डिसाइड किया है रुकने का। नेक्स्ट गाइज ओमी आगे वा नान निशिमास का, तो ओमी आगे वा निनग्यो निशिमास कि मैंने जो सुपीरियर कि मैंने जो सीनियर है वो निनग्यो निशिमास, डॉल गुड़िया होती है जो वो डिसाइड किया है। ओके, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है भाई वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म कोतो निशिमास, तो ये भी सिंपल है वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म कोतो निशिमास कुछ डिसाइड करने के लिए कि राइगेत्सु नो तोका नी रियोको नी इकु कोतो निशिमास, ठीक है मैंने नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख रियोको नी इकु कोतो निशिमास ट्रिप पर जाऊंगा ऐसा मैंने डिसाइड किया है। नेक्स्ट है मिनशुकु नी तोमारु कोतो निशिमास कि मिनशुकु मैं रुकूंगा ऐसा रुकने का मैंने डिसाइड किया है, और निनग्यो ओ काउ कोतो निशिमास और निनग्यो खरीदने का मैंने डिसाइड किया है। ओके, नेक्स्ट है नाउन निवा वर्ब नाई कोतो निशिमास, अब आपको अगर नाई करके सेंटेंस बनाना है तो आपको निवा लगाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है आप निवा भी लगाए, वैसे भी नॉर्मल भी चल जाता। ओके, कि रियोको वा इकानाई कोतो निशिमास कि रियोको नी वा इकानाई कोतो निशिमास कि मैं रियोको पे नहीं जाऊंगा ऐसा मैंने डिसाइड किया है। नेक्स्ट है मिनशुकु नी तुम्हारा नाई कोतो निशिमास कि मिनशुकु में मैंने ना रुकने का डिसाइड किया है, और निनग्यो वा कावा नाई कोतो निशिमास कि मैंने निनग्यो ना खरीदने का डिसाइड किया। ओके, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, सिंपल है निशिमास पैटर्न। नेक्स्ट गाइस 7 पैटर्न, और यहाँ पे है ये काउंटर के साथ तोमो लगा करके सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पे काउंटर के साथ तोमो लगा करके तो मीनिंग क्या आता है कि देखते हैं कि हे अनिवा कंप्यूटर गा गोदाई अरिमास कि कमरे में 5 कंप्यूटर है और गोदाई तोमो अतराशी देश, गोदाई तोमो मतलब होता है कि 5 के 5 अतराशी देश नए हैं, तो 5 के 5 नए हैं। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं, ऐसे मीनिंग निकलते हैं इसके। तोमो के मीनिंग बहुत सारे होते हैं, वैसे देखिए अगर नेक्स्ट सेंटेंस में आपको अलग मीनिंग देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा सेंस समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है वाताशी ताची वा फुतारी तोमो बिम्बो देस्कारा येगा कायमासेन कि वाताशी ताची हम फुतारी तोमो मतलब दोनों, हम दोनों बिम्बो देस्कारा, बिम्बो मतलब होता है गाइस पुअर है ना, गरीब लोग कि हम दोनों गरीब है इसलिए कारा येगा कायमासेन हम घर नहीं खरीद सकते, येगा कायमासेन पोटेंशियल फॉर्म हम घर नहीं खरीद सकते। ओके, नेक्स्ट गाइज नो तो एम्पित्सुआ मो कायमास्ता का कि जो नोटबुक और एम्पित्सुआ है वो ऑलरेडी खरीद चुके होगा कि हाई रियोहो तो मो कायमास्ता कि हाँ मैंने दोनों रियोहो मतलब बोथ तो दोनों तोमो खरीद ली है कायमास्ता। ओके, ऐसे फुतारी तोमो का यूज़ करना है। तो आई होप आपको समझ आ चुके होंगे जितने पैटर्न मैंने अब तक बताए हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।